गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। मैं आकाश आनंद एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं फिजिक्स में क्रैश कोर्स के साथ। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, उस पर हम लोग आज क्रैश कोर्स करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर की, उसके बारे में बताऊँगा। और ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, चूँकि आप लोग वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले छात्र हैं, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि इससे आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, तीनों तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, विद्युत आवेश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी की जब हम शुरुआत करते हैं, विद्युत की हम लोग शुरुआत करते हैं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं विद्युत आवेश से, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है और इसका गुण क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत आवेश होता क्या है, हम लोग इसकी बात करते हैं। तो देखिए, विद्युत आवेश जो है किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है, जो उस पदार्थ के अंदर दूसरे वस्तुओं को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का एक उसके अंदर गुण को डेवलप करता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी वाई वर्च्यू ऑफ विच ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज प्रोड्यूस्ड इन इट। यानी आवेश जो है किसी वस्तु का आंतरिक गुण है, जिसके कारण वस्तुएं दूसरे वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। तो आवेश जो है इसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, और आवेश को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के क्यू लेटर से डिनोट करते हैं, चाहे कैपिटल क्यू हो या स्मॉल क्यू हो, उससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आवेश जो है, आवेश या कोई आवेशित वस्तु है, अगर कहीं पर रखी हुई होती है, तो उसके कारण उसके चारों ओर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। अब ये आपको पता है कि विद्युत आवेश जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है धन आवेश जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और दूसरा होता है ऋण आवेश जिसको हम लोग निगेटिव चार्ज बोलते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये दो तरह के चार्ज होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि चार्ज जो है, आवेश जो है वस्तु के अंदर कहां से आता है, इस पर थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु का जो आवेशित होना है वो डिपेंड करता है दो वस्तुओं के बीच घर्षण से। जैसे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपने सूखे हुए बालों में कंघी करते हैं, और कंघी को फिर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि कंघी जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कंघी जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये क्या है, ये क्यों होता है? तो ये विद्युत आवेश के कारण होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण वो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। और इसमें भी आप याद रखिए कि अगर दो वस्तुएं आवेशित होती है तो उसमें एक धन आवेशित होता है, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, और दूसरा क्या होता है, तो ऋण आवेशित होता है, यानी नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं के बीच घर्षण होता है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, तो दोनों वस्तुएं चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर यह समझना है, एक ट्रेडिशनल डिफिनेशन है जिसको हम लोग जान लें। देखिए, ट्रेडिशनल डिफिनेशन क्या है, तो ट्रेडिशनल डिफिनेशन में हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कांच के छड़ से अगर रेशम के कपड़ों को रगड़ा जाता है, तो कांच के छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और रेशम के कपड़े पर क्या होता है, तो निगेटिव चार्ज जनरेट होता है। इसी प्रकार से एवोनाइट रेड क्या होता है, एवोनाइट एक तरह का इंसुलेटर है, एक तरह का कुचालक है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन का जो हैंडल होता है वो जनरली एवोनाइट का होता है, जो कि एक इंसुलेटर है। तो एवोनाइट के रेड से अगर ऊल या फर को रगड़ा जाए, ऊल यानी ऊन को या फर क्या होता है, भेड़ की खाल या बिल्ली की खाल, उसको हम लोग फर बोलते हैं। तो ऊल या फर को अगर एवोनाइट रेड से रगड़ा जाए, तो एवोनाइट रेड पर जो चार्ज, जो आवेश उत्पन्न होता है, वो होता है नेगेटिव चार्ज। और जो ऊल या फर पर जो चार्ज या आवेश उत्पन्न होता है वो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनके बीच घर्षण होता है, और घर्षण के कारण दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती है,
दोनों ही वस्तुएं जो है वो ऑपोजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और इसमें आपको ये जानना है कि जो चार्ज वस्तुओं पर जनरेट होता है ना, तो वो चार्ज जो है अगर वो रेस्ट में है, वो चार्ज जो है अगर मतलब विराम की अवस्था में है, तो हम लोग फिजिक्स के उस ब्रांच को जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं जो आवेश स्थिर हो यानी इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की भाषा का है, जिसमें हम लोग वैसे आवेश का अध्ययन करते हैं जो स्थिर होता है। लेकिन जब वही आवेश गतिशील होता है, वही आवेश जो है मूवमेंट में आता है, गति करने लगता है, तो उसका जो स्टडी है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के भी दो पार्ट्स हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा जो है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के आवेश होते हैं। अब देखिए, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों को समझना है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग, है ना, कि चार्ज का प्रोडक्शन जो है उसके लिए मॉडर्न थ्योरी क्या है। तो देखिए, आप इस बात को समझिए कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुएं चार्ज हो जाती है, और दोनों ही वस्तुएं चार्ज क्यों होती है इसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वास्तव में जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है, वो उन दोनों वस्तुओं के एटम्स के बीच में होता है, ठीक है। और एटम्स के बीच में जब फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो आपको पता है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उस पर ना तो धनात्मक चार्ज होता है ना ही ऋणात्मक चार्ज होता है। नहीं होने का कारण यह है कि किसी भी एटम के, किसी भी परमाणु के नाभिक में जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो बाहर चक्कर काटते इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, और न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर रहता है जो कि उदासीन होता है, वो ना तो धनात्मक रूप से ना तो धनावेशित होता है और ना ही ऋणावेशित होता है। तो न्यूक्लियस का यानी परमाणु के नाभिक का जो भी आवेश है वो प्रोटॉन के कारण होता है, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, तो वो ऋण आवेशित होता है, ठीक है। तो किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते रहता है नाभिक के चारों ओर। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्जेज के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्जेज जो होते हैं, आवेश जो होते हैं, उनका परिमाण बराबर होता है, लेकिन उनके साइन ऑपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है। इसलिए एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को, एक दूसरे के आवेश को कैंसिल करते हैं, और एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जितनी भी वस्तुओं की बात हम लोग करें उसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एटम्स के अंदर बराबर होने के कारण वो होता है न्यूट्रल, है ना। तो लेकिन तब क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान क्या होता है कि उनके बीच फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण एक वस्तु का जो एटम्स है उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी के एटम पर चले जाते हैं। यानी जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं उनके बीच घर्षण होता है, और एक वस्तु का जो एटम है या परमाणु है उस पर जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में वो ट्रांसफर होकर के, वो स्थानांतरित होकर के दूसरे वस्तु के एटम पर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि एक वस्तु जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पर उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन मतलब वो लूज करता है ना, तो उसके चलते इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस पर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का चार्ज का अधिकता बढ़ जाता है और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें नेगेटिव चार्ज जो है बढ़ जाता है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये चार्ज का प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है ना। तो इस चीज को हम लोग बोर्ड के माध्यम से भी समझते हैं। तो देखिए, हम आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताते हैं कि कैसे जो है चार्ज जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु ए है और दूसरा वस्तु जो है हमारा बी है, ठीक है। वस्तु ए जो है, मान लीजिए कि इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि
इसमें जो है ऐसा मान लेते हैं कि इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मान लीजिए, और इसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में है, तो 11 प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज जो होता है, प्रोटॉन का चार्ज का आवेश ये क्या होता है, ये होता है +1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है आपका −1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ठीक है। तो जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस में, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस में, है ना। और चूंकि 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल करता है, तो यहां पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल करेगा, तो ए जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ए पर कोई चार्ज नहीं होगा। और उसी तरह से बी जो है उसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 प्रोटॉन के चार्ज को 17 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है कैंसिल आउट कर देगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि ए का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, अगर मान लीजिए कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तब क्या होगा, अब देखिए जब ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा, तो प्रोटॉन तो उस पर 11 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब उसके पास कितने बच गए, 10, और यहां पर प्रोटॉन तो 17 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल करेगा, तो इसमें एक प्लस ई चार्ज बच जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक, मतलब इसमें क्या होगा कि एक प्रोटॉन जो है, एक प्रोटॉन का चार्ज बचेगा, और यहां पर एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, ये हो जाएगा +1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन जो है 10 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल करेगा, तो एक प्रोटॉन का चार्ज बचे, तो उसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन तो बच जाएगा, तो एक प्रोटॉन का चार्ज इतना होगा, और यहां देख लीजिए 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज जब कैंसिल होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, इतना कूलम्ब हो जाएगा, है ना। तो अगर इस चार्ज को हम लोग 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब है, इसको हम लोग एक स्मॉल चार्ज मानते हैं, ई क्या बोलते हैं, स्मॉल फंडामेंटल चार्ज, है ना। तो ये जो ई है, इसमें एक, इसमें चार्ज आएगा प्लस ई, और इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस ई। अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो अगर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो यहां से यहां तक, तो 2 इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होगा, तब क्या होगा, तब आप देख लीजिए कि जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो यहां पर प्रोटॉन तो 11 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब यहां पर 9 हो जाएंगे, ठीक है, ए के केस में। और बी के केस में फिर क्या होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो प्रोटॉन तो इसके पास 17 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास 19 हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, इसमें यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल करेगा, तो यहां पर 2 प्रोटॉन का चार्ज बचेगा, तो 2 + 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि यहां पर जो चार्ज होगा +2E होगा। और यहां पर देख लीजिए कि 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁻¹⁹, यानी यहां पर −2E चार्ज होगा। उसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन का जब चार्ज होगा, तो यहां पर +3 आएगा, यहां पर -3 आएगा, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होगा, तो इस पर +4E, इस पर −4E आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो एक बॉडी पर जितना चार्ज प्रोड्यूस होगा प्लस में, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन करने पर वाले पर भी उतना ही चार्ज प्रोड्यूस होगा माइनस में। तो अगर प्रोड्यूस चार्ज को हम क्यू माने, तो क्यू बराबर क्या होगा, ई होगा, है ना, +-E होगा, या +-2E होगा, या +-3E होगा, या +-4E होगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू बराबर एन इंटू ई, यानी बॉडी पर जो चार्ज जनरेट होगा Q, वो N into E के बराबर होगा। जहां पर N क्या है, तो यहां पर N जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्यों जो है वस्तुओं को रगड़ने पर चार्ज का प्रोडक्शन होता है। तो मोटा मोटी आपको यही समझना है कि जब दो वस्तुओं के बीच फ्रिक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में एक पर एक बॉडी के एटम पर जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, है ना, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी के चलते उस पर प्रोटॉन का चार्ज जो है वो क्या डोमिनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस चार्ज हो जाता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, है ना। तो यही चार्जिंग का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, और यही चार्जिंग का जो है आधुनिक या मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर हम लोग अब बात करते हैं आवेशों के गुण की, हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि आवेश का गुण क्या क्या होता है। हम लोग अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना, कि चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं आवेशों के गुण के बारे में, ठीक है। आवेशों का गुण, आवेशों का क्या क्या गुण होता है,
यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ये हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज का है वो ये है कि इलेक्ट्रिक मतलब कि यहां पर सबसे पहला इसका मौलिक जो गुण होता है चार्जेस का कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। यानी दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज समान नेचर के चार्ज हैं, सिमिलर नेचर के चार्ज हैं, तो वहां पर आपका रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा या विकर्षण होगा, ठीक है। यानी प्लस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच में क्या होगा, विकर्षण होगा, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, या माइनस माइनस चार्ज है तो भी ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा। लेकिन अगर प्लस और माइनस अगर रहेगा, यानी अगर असमान प्रकृति के दो चार्जेस होंगे, दो आवेश अगर असमान प्रकृति के होंगे, तो वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहां पर आप देखिए कि रिपल्सन हो रहा है, यहां पर भी आप देखिए कि रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन का मतलब क्या होता है, विकर्षण, है ना, विकर्षण होता है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन यानी आकर्षण होगा, ठीक है। तो ये जो है चार्ज का जो है मौलिक गुण है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि जो विद्युत आवेश जो है अगर समान आवेश हैं तो विकर्षण होगा, और विपरीत आवेश हैं तो क्या होगा, वहां पर आकर्षण होगा, ठीक है। तो ये चार्जेस का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी जो चार्ज का है वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी विद्युत आवेश जो है उसकी ना तो सृष्टि की जा सकती है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ उसका एक वस्तु से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण किया जा सकता है, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के जैसा मिलता जुलता है, है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के जैसा मिलता जुलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्जेस को ना तो क्रिएट किया जा सकता है विद्युत आवेश की, ना तो सृष्टि की जा सकती है और ना ही विद्युत आवेश को नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसका एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो यह हो गया आवेशों का जो संरक्षण का सिद्धांत है, ये दो हुआ आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत, दो प्रॉपर्टी समझ गए। तीसरा प्रॉपर्टी है कि मतलब विद्युत आवेश जो होता है वो जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। अब विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, देखिए जब भी किसी वस्तु पर चार्ज प्रोड्यूस होता है, अगर किसी वस्तु पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो इस रूप में होता है, प्लस माइनस ई, प्लस माइनस टू ई, प्लस माइनस थ्री ई, प्लस माइनस फोर ई। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग में, तो आप इसको लिख सकते हैं कि क्यू बराबर एन इंटू ई, है ना, जहां ई क्या है, तो ई यहां पर एक स्मॉल फंडामेंटल चार्ज है और इसका वैल्यू होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो जो विद्युत आवेश होता है वो क्या होता है, वो विद्युत आवेश जो होता है वो मतलब कि वो है क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, क्वांटीकरण के सिद्धांत को फॉलो करता है। यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश मौजूद होता है वो यह स्मॉल फंडामेंटल चार्ज ई जो है इसका जो है इंटेग्रल मल्टीपल होता है, पूर्णांक गुणक होता है, है ना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि एन का वैल्यू यहां पर प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस टू है, प्लस माइनस थ्री है, जीरो भी हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा दो वस्तुओं के बीच, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो है जीरो जब होगा, तो यहां पर एन का वैल्यू जीरो रखेंगे तो बॉडी पर कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा, तो ये बात भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर्टी होता है चार्ज का। और चार्ज का एक चौथा प्रॉपर्टी है, वो चौथा प्रॉपर्टी क्या है इसको भी हम लोग समझ लें। चार्ज का चौथा प्रॉपर्टी जो है वो कहता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहता है क्या कि किसी भी वस्तु में अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, किसी भी वस्तु में अगर बहुत सारे बिंदु हैं और हर बिंदु का एक अपना इंडिविजुअल चार्ज हो, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इस बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक पॉइंट पर चार्ज है Q1, दूसरे पर Q2 है, तीसरे पर Q3 है, चौथे पर Q4 है, तो इन चार्जेस को अगर जोड़ दें हम लोग अल्जेब्रिकली, अगर इन चार्जेस को जोड़ें तो ये वस्तु के टोटल चार्ज क्यू के बराबर आएगा। यानी किसी भी वस्तु पर मौजूद जो कुल चार्ज होता है वो उस वस्तु के विभिन्न कणों पर मौजूद जो उनके व्यक्तिगत आवेश होते हैं, है ना, जो उनके इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं उनका अल्जेब्रिक सम होता है। तो ये आपका एक चौथा गुण हो गया चार्जेस का, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी जो चार्जेस के हैं उसको आप समझ गए होंगे। और इसमें एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे, इसमें एक और चीज ये है, वो है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। यानी यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत आवेशों के लिए कूलम का नियम, विद्युत आवेशों के लिए कूलम का नियम। देखिए कूलम का नियम क्या कहता है इसको थोड़ा सा समझिए। ये न्यूटन के
गुरुत्वाकर्षण नियम से मिलता जुलता है ना। कूलम्स लॉ कहता है कि दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है और दो समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है। यही तो मौलिक गुण होता है किसी विद्युत आवेश का, है ना, कि दो समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है, दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। और इस तरह का जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना। तो यानी कि हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत विकर्षण बल, ये बोलते हैं। तो दो मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज, मान लीजिए पॉइंट चार्ज यहां पर Q1 है और एक चार्ज मान लीजिए यहां पर Q2 है ना, और इन दोनों चार्जेस के बीच का दूरी मान लीजिए R है। यहां पर मान लीजिए प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहां पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ये आकर्षण का गुण होगा या आकर्षण का बल होगा यहां पर। लेकिन मान लीजिए कि यहां पर जो चार्ज Q1 है वो प्लस में है और चार्ज Q2 जो है ये भी प्लस में है, या फिर दोनों माइनस में है और इनके बीच का दूरी अगर R है, तो यहां पर जो फोर्स है वो क्या होगा, एक फोर्स इधर, ये फोर्स जो है वो या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर विकर्षण होगा। तो यानी कूलम्स का जो नियम कहता है वो कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थित वैद्युत आकर्षण बल होता है या स्थिर वैद्युत विकर्षण बल होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, वो दोनों चार्जेज के, दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ जो है, जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, उसके समानुपाती होगा, उसके गुणनफल का समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी का के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। यानी अगर इसको हम लोग मिला दें, ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, यहां पर हम लोग कहेंगे कि जहां आर अचर है, यहां आर स्थिर है, और यहां पर हम लोग बोलेंगे जहां Q1 Q2 स्थिर है, ठीक है। तो अगर ये दोनों को अगर मिला है तो मिलाने पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। और यहां पर ये जो समानुपाती का चिन्ह है, इसको हम लोग समानुपाती स्थिरांक के द्वारा जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा, है ना। कि जहां पर क्या है, जहां पर, जहां के जो है एक क्या है, समानुपातीय स्थिरांक है, समानुपातीय स्थिरांक है, स्थिरांक है जिसका वैल्यू होता है क्या, इसका वैल्यू होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहां जो एक फॉर्मूला निकला कि जब Q1 Q2 दो चार्जेस एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है या स्थित वैद्युत विकर्षण बल है, ये जो है के एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपका चार्जेस का प्रॉपर्टी हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इसमें अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में विद्युत धारा के बारे में, है ना। तो विद्युत धारा के बारे में हम लोग जानते हैं, जान लें इसके बारे में कि विद्युत धारा क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि विद्युत धारा जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा जो है क्या है, जैसे हम जानते हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या है, ठीक है। विद्युत धारा जो है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है। तो देखिए आपको पता है ना कि अगर किसी नदी में या तालाब में जाते हैं या समुद्र में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, पानी की धारा होती है, जल धारा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर करंट, है ना। तो वाटर करंट जो होता है वो नदी में, तालाब में या महासागरों में होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी किसी भी चालक से एक सेकंड में जितना विद्युत आवेश प्रवाहित होता है वो कहलाता है विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा आप आई थिंक समझ गए होंगे। अगर विद्युत धारा को परिभाषित करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा को हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत मतलब कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग बोर्ड पर भी इसको समझ लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि आपका कोई चालक है ए बी, कोई बायर है ना, और इसमें जो क्यू आवेश है वो टी सेकंड तक प्रभावित होता है। तो किसी चालक में अगर टी सेकंड में क्यू आवेश प्रभावित होता है, टी सेकंड में क्यू आवेश प्रभावित होता है, ठीक है। किसी चालक में टी सेकंड में क्यू आवेश जो प्रभावित होता है, तो एक सेकंड में
क्या होगा, क्यू बाई टी आवेश प्रवाहित होगा, और एक सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होता है इसी को विद्युत धारा हम लोग आई कहते हैं। तो यहां पर आई बराबर क्या हो गया, क्यू बाई टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम होता है, ठीक है। और हम लोग यहां पर इसका अगर यूनिट निकालें, इसका अगर मात्रक निकालें, तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्यू क्या है, क्यू जो है आवेश है, और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कूलम प्रति सेकेंड, है ना। और कूलम प्रति सेकेंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर, और एम्पियर जो है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या है, वो होता है एम्पियर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है आवेशों के प्रवाह की दर है, किसी भी चालक से प्रति सेकंड जितना विद्युत आवेश प्रवाहित होता है वही जो है विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। तो आई थिंक विद्युत धारा आप समझ गए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसमें विद्युत विभव के बारे में, ठीक है, विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में, कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है। तो देखिए विद्युत विभव और विभवांतर को समझने के लिए पहले हमको विद्युतीय क्षेत्र समझना होगा, और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को समझना होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विद्युत विभव, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और विभवांतर को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हम लोग बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि विभव और विभवांतर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आपको पता है कि यहां पे हम लोग यहां पर बात करते हैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए अगर कहीं पर कोई आवेश रखा हुआ है या कोई आवेशित वस्तु रखी हुई है, तो उस आवेश का प्रभाव जहां मतलब उसके चारों ओर जहां तक फैला हुआ होता है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज है, मान लीजिए कि ये क्यू चार्ज है, या कुछ मान लीजिए कोई चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, और इस चार्ज का यहां तक प्रभाव फैला हुआ है, यानी ये जो चार्ज है इसका प्रभाव इतने बाउंड्री तक फैला हुआ है, तो ये कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। ये होगा विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसके बाहर क्या होगा, तो इसके बाहर होगा अनंत। यानी अगर आपको विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करना है तो आप कहेंगे कि किसी आवेशित वस्तु या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वो उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, और इसके बाहर का जो क्षेत्र होता है वो अनंत कहलाता है, ठीक है। तो ये और अब यहां पर देख लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एक विद्युतीय क्षेत्र में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो हर पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो अलग अलग होगी हर पॉइंट पे। तो अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए अगर हम लोग किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में अगर किसी बिंदु पर अगर एकांक धनावेश को लाकर के रखें, यानी एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज जो है अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर रखते हैं, तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जितने बल का वो अनुभव करता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मान लीजिए कि क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ए पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ए पॉइंट है, इस पर हम क्यू चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हैं, तो और वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एफ फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो क्यू कूलम के पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ए पॉइंट पर अगर रखते हैं तो वो क्यू कूलम तो वो एफ फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो क्यू चार्ज जो है वो एफ फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यू कूलम का चार्ज एफ फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एक कूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ बाई क्यू, और यही एफ बाई क्यू जो होगा इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका वैल्यू ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। अगर इसका यूनिट निकालें तो यूनिट ई बराबर एफ बाई क्यू होता है, तो एफ जो फोर्स है इसका यूनिट है न्यूटन, और इसका होता है कूलम, है ना, तो इसका होगा न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। तो अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है तो हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगा उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल, अगर उस बिंदु पर एक कूलम के पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए, यानी If a unit positive charge is placed at a point in an electric field, then the force experienced by that unit positive charge in the electric field is called electric field intensity. ठीक है, I think समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं विद्युतीय विभव की, है ना,
विद्युतीय विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो देखिए अगर एक कूलम के पॉजिटिव चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो टोटल वर्कडन होता है, जो टोटल किया गया कार्य होता है, वही उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहलाता है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, ये है विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, और इस विद्युतीय क्षेत्र में अगर मान लीजिए कि ये आपका क्या है, अनंत है, तो अनंत से अगर क्यू कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के ए पॉइंट तक लाते हैं और डब्ल्यू वर्क होता है, तो क्यू कूलम्ब के पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में, मान लीजिए ए पॉइंट तक लाने में डब्ल्यू वर्क हुआ, तो एक कूलम्ब के लिए वर्क कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, और यही जो वर्क डन होगा एक कूलम्ब के पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, यही होता है विद्युत विभव। इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, तो भी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। यानी विद्युत विभव जो होता है, विद्युतीय विभव क्या होता है कि एक कूलम्ब के पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट पर जो वर्कडन होगा एक कूलम्ब के पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अलग अलग बिंदुओं पर ले आएंगे तो अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा, जो विद्युतीय विभव का वैल्यू होगा, वो अलग अलग बिंदुओं पर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब अगर इसका हम लोग यूनिट निकालें, इसका अगर मात्रक निकालें तो क्या होगा, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू हुआ, डब्ल्यू का जो यूनिट होता है वो जूल होता है और क्यू का होता है कूलम्ब, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं जूल पर कूलम्ब, और जूल पर कूलम्ब जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से विद्युत विभव क्या होता है ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं विभवांतर की, कि विभवांतर क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लें कि विभवांतर क्या होता है। देखिए आपको मैंने अभी बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट पर जो विद्युत विभव का मान होगा वो अलग अलग होगा। मान लीजिए कि यह हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, यह हमारा मान लीजिए कि एक विद्युतीय क्षेत्र है, यह विद्युतीय क्षेत्र है, इसमें मान लीजिए कि एक बिंदु जो है हमारा ए है और एक बिंदु हमारा यहाँ पर मान लीजिए बी है। ठीक है, और ए बिंदु जो है इसका जो विद्युतीय विभव यहाँ पर वी ए है और इसका जो विद्युतीय विभव है वो वी बी है। तो इन दोनों का अगर अंतर निकालें तो क्या होगा, यानी विभवांतर हम लोग बात कर रहे हैं, विभवांतर ए और बी का, ए और बी का विभवांतर, बिंदु ए और बी का जो विभवांतर होगा उसको अगर हम वी ए बी से डिनोट करें तो ये क्या होगा, ये होगा वी ए माइनस वी बी। इसके अंदर हम मॉड लगाते हैं, मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको नहीं पता है कि वी ए पॉइंट पर विद्युत विभव का मान ज्यादा है कि वी बी पर ज्यादा है। चूंकि हम लोग दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं तो दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिफरेंस है उसको मतलब रिमूव करने के लिए हम लोग इसके आगे मॉड लगा देते हैं। यानी किसी विद्युतीय क्षेत्र में दो भिन्न बिंदुओं के विद्युत विभवों का जो अंतर होता है वो उनके बीच का विभवांतर कहलाता है। एक तरीका से और हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक कूलम्ब के पॉजिटिव चार्ज को, देखिए एक कूलम्ब का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्कडन होगा वही इन दोनों ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि क्यू कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, क्यू कूलम्ब के पॉजिटिव चार्ज को, मान लीजिए कि क्यू कूलम्ब का चार्ज है और क्यू कूलम्ब के चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में अगर डब्ल्यू वर्क होता है तो एक कूलम्ब के लिए कितना वर्क होगा, डब्ल्यू बटा क्यू, तो यही विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच का, है ना। तो ये भी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो आई थिंक विभवांतर क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको, है ना। हम लोग ये भी कह सकते हैं, एक तरीके से और समझ सकते हैं, देखिए एक और तरीका होगा इसको समझने का, मान लेते हैं कि यह हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, यह हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है ये, है ना, और एक कूलम्ब के क्यू कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसको जो कि इन्फिनिटी पर है, कहाँ है, अनंत पे है, और यह हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अब यहाँ पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो यहाँ क्यू कूलम्ब के पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के ए पॉइंट तक लाने में वर्क डन हुआ डब्ल्यू ए, और क्यू कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के बी पॉइंट तक लाने में वर्क हुआ डब्ल्यू बी। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वी ए, वो क्या होगा, डब्ल्यू ए बाई क्यू, और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वी बी बराबर डब्ल्यू बी बाई क्यू, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यानी वी ए बी निकालना है, तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, तो ये हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई क्यू माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू, और यहां से आपका हो जाएगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू, है ना। तो इस तरह से हम लोग दो पॉइंट्स के बीच का विभवांतर जो है वो निकाल सकते हैं, और विभवांतर का भी वही यूनिट होगा जो विभव का होगा, जो वोल्ट होता है ना।
अगर यहां पर आता है कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करिए, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। तो यहां पर यह समझिए कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ता है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट होता है। यानी 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल बाई 1 कूलम। ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्लाइड की ओर और देखते हैं कि आगे हम लोग क्या इसमें देखते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आप समझ गए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहां पर विद्युत परिपथ की, है ना। विद्युत परिपथ क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में आप देखिए कि वास्तव में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जिस जो हम लोग विद्युत धारा की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो विद्युत धारा जो है वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, है ना। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होता है और फिजिक्स में हम लोग कोई भी डिफिनेशन पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन करते हैं, है ना। तो यानी जो करंट होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक होता है कन्वेंशनल करंट। तो जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होता है, लेकिन वास्तविक जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है। तो यहां पर है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। तो यहां पर है कि वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सके विद्युत परिपथ कहलाता है। मतलब विद्युत परिपथ मतलब क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने का पाथ, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए पाथ। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए जो पाथ है, जैसे आप देख लीजिए कि यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर सेल या बैटरी लगा हुआ है, सेल या बैटरी है। ठीक है, यहां पर स्विच लगा हुआ है और यहां पर देखिए बल्ब है और यहां पर अमीटर है। अब यहां देखिए कि ये जो कनेक्टिंग वायर है, इस वायर से देख रहे हैं कि ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे करंट जो है फ्लो करते करते बल्ब तक पहुंचता है, फिर इधर आकर मतलब ये बंद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो यही होता है विद्युत परिपथ। और विद्युत परिपथ जो है वो बंद और खुला कैसे होता है, अगर मान लीजिए यहां पर होता है कि विद्युत परिपथ जो है 2 तरह के होते हैं, तो यहां पर है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट क्या होगा, जब यह स्विच जो है ओपन रहेगा तो ओपन सर्किट होगा, और ओपन सर्किट में यानी खुला परिपथ जो होगा उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, और क्लोज सर्किट होगा उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बोर्ड के माध्यम से भी समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग का अब जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसमें हम लोग जान लेते हैं कि क्लोज कंटिन्यूअस पाथ मतलब विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक क्लोज, एक बंद और कंटिन्यूअस मतलब एक सतत मार्ग, एक मतलब बंद और सतत मार्ग जिससे कि विद्युत आवेशों का प्रवाह होता हो, जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह होता हो, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। ठीक है, और विद्युत परिपथ जो होता है एक सिंपल सा हम बना सकते हैं। जब मान लीजिए ये मान लीजिए कि एक सिंपल सा सर्किट की बात करते हैं कि ये मेरा एक ड्राई सेल है ना, एक बैटरी है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, और यहां से हम लोग कनेक्टिंग वायर से दोनों को जोड़ दिए। ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जोड़ दिए और यहां पर एक बल्ब जो है लगा दिए, और ये बल्ब जो है क्या करने लगा, ये ग्लो करने लगा। तो ये तो एकदम सिंपल सर्किट है, ये हमारा ड्राई सेल है, ये शुष्क सेल है, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टिंग वायर जोड़ते हुए हम लोग यहां पर बल्ब लगा दिए हैं, ये बल्ब जो है जल रहा है। तो इससे सिंपल सर्किट क्या होगा, और इसमें करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के फिलामेंट से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कर रहा है। तो यहां पर देखिए कि एक सिंपल सा सर्किट है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसको हम लोग अगर डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करें, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग अगर खाना खाते हैं तो उसमें चावल दाल और सब्जी भी खा सकते हैं, और चावल दाल सब्जी के अलावा और भी वेराइटी हो सकते हैं, जैसे सलाद हो सकता है, पापड़ हो सकता है, अचार हो सकता है, और 2-3 तरह के वेजिटेबल्स हो सकते हैं, है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये तो सिंपल वाला हो गया कि जिसमें एक सेल है, एक कनेक्टिंग वायर है, एक बल्ब है, लेकिन इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में और भी चीजों का इस्तेमाल कर दिया जाए, जैसे इसमें स्विच का इस्तेमाल कर दिया जाए, जैसे इसमें अमीटर का या वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाए, रिहोस्टेट यानी और भी रिहोस्टेट का यहां इस्तेमाल कर दिया जाए, तो यह होता है आपका विद्युत परिपथ। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं इलेक्ट्रिक मतलब सर्किट के लिए, एक सर्किट डायग्राम होता है।
यानी किसी भी विद्युत परिपथ जो है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिपथ आरेख खींचते हैं, एक सर्किट डायग्राम खींचते हैं। सर्किट डायग्राम क्या करता है, सर्किट डायग्राम जो है रिप्रेजेंट करता है किसी भी विद्युतीय परिपथ को, है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये आपका एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें आप देख लीजिए कि यह सेल है, ये क्या है, ये की है, और ये क्या है, ये मान लीजिए कि बल्ब है, और ये क्या है, तो ये आपका कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ओपन सर्किट है, यहाँ पर ये आपका ओपन सर्किट है, यानी खुला परिपथ है, है ना, ये खुला परिपथ है और इससे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि इसको हम लोग ऐसे कर दें, आप देख लीजिए कि अगर हम लोग इसको ऐसे करें, देखिए इस तरीके से ये इसमें स्विच को ऑन कर दें, तब ये क्या होगा, ये बल्ब जो है ग्लो करने लगा, क्यों, क्योंकि इसमें अब करंट फ्लो करने लगा। तो ये क्या है, ये है क्लोज सर्किट, है ना, ये जो है क्लोज सर्किट है, इसको हम लोग बोलते हैं बंद परिपथ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, सेल का इस्तेमाल किया, सेल का ये सिंबल है, इलेक्ट्रिक मतलब की का इस्तेमाल किया, बल्ब का इस्तेमाल किया और कनेक्टिंग वायर का इस्तेमाल किया। तो अगर इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके अगर हम एक डायग्राम खींचते हैं तो उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम में बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल हो सकता है, किन किन चीजों का इस्तेमाल हो सकता है तो थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सर्किट डायग्राम में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेल का। तो सेल जो है इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है, देखिए ये सेल का सिंबल है। उसी तरह से हम लोग बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बैटरी जो है इसका सिंबल ऐसे होता है, देखिए इस तरह से बैटरी है, ये बैटरी हो गया आपका, है ना, ये सेल है, ये बैटरी है। अगर मान लीजिए कि हम लोगों को इसमें प्लग की मतलब कि कुंजी का इस्तेमाल करना है, कुंजी का, तो ये कुंजी जो है इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, खुला कुंजी है, ओपन की है, ये बंद कुंजी अगर है तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध के बारे में मैं बताऊंगा अभी। प्रतिरोध होता है किसी भी चालक से विद्युत धारा के प्रवाह को का विरोध करने वाला जो कारक होता है वो प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, देखिए ये प्रतिरोध है तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपका मतलब कि परिवर्तनशील प्रतिरोध यानी, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। अगर मान लीजिए कि रिहोस्टेट है, इसको हम लोग बोलते हैं धारा नियंत्रक जो होता है जिसको हम लोग रिहोस्टेट बोलते हैं, उसको इस तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये धारा नियंत्रक का इस तरह से सिंबल होता है, है ना। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, विद्युत परिपथ में। जैसे अगर हम लोग को कनेक्टिंग वायर लिखना है, कनेक्टिंग वायर तो कनेक्टिंग वायर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, है ना। अगर वायर ज्वाइंट है, वायर ज्वाइंट जो है इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहां पर लिखते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, तो हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। और हम लोग को अगर फ्यूज को लिखना हो, फ्यूज, तो फ्यूज को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका फ्यूज हो गया, है ना। और अमीटर अगर हो तो अमीटर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका अमीटर हो गया। वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करना है तो वोल्ट मीटर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं और इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल जो है परिपथ आरेख खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इन कंपोनेंट का जो सिंबल है, यानी इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ये सब जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, यानी वैद्युत अवयव हैं ये सब, और उनके ये सिंबल्स हैं, उनके मतलब संकेत जिसको हम लोग कह सकते हैं, इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तरीका होता है, यानी हम लोग ये तरीका से हम लोग विद्युत अवयवों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इनका उपयोग हम लोग करते हैं परिपथ को दिखलाने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखिए आगे हम लोग देखेंगे ओम्स के नियम के बारे में। तो स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और देखिए अब जो है 10th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओम का नियम। देखिए ओम का नियम जो है काफी बेसिक है और ये क्या है, करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चालक में करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक कि उस चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर ना हो,
यानी जब कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच, किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच अगर अलग अलग विद्युत विभव होंगे, यानी उनके बीच एक नॉन जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी करंट का फ्लो होगा। और करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, यानी विद्युत धारा का प्रभाव हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है, एक अगर वो इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से फ्लो हो रहा है तो उसके एक एंड का पोटेंशियल हाई होना चाहिए और दूसरे एंड का पोटेंशियल लो होना चाहिए, तभी करंट जो है उससे फ्लो होगा। क्योंकि जो उच्च विभव है और जो निम्न विभव है उनके बीच एक नॉन जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो ओम ने सबसे पहले, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, यानी विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध यह बतलाता है। तो ओम का नियम कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का प्रबल उनके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी किसी भी चालक पदार्थ में अगर दोनों चालक के दोनों छोरों के बीच अगर विभवांतर को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, अगर विभवांतर को घटाएंगे तो विद्युत धारा का मान घटेगा। यानी किसी भी चालक से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो विभवांतर जो है उसका समानुपाती होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में जब अचर ताप पर चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा का प्रबल उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है और यही कहलाता है ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं। ये सर्किट डायग्राम क्या है? ये सर्किट डायग्राम जो है ओम्स के लॉ को प्रायोगिक रूप से सत्यापित करता है। यानी यहां पर देखिए कि यहां पर भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ना, यानी विभवांतर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो जैसे हम इसको बोर्ड से ही समझते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि ओम के नियम को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ओम के नियम को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो है काफी बेसिक है और इसी की सहायता से जो है आगे जो है बहुत सारे डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक चालक पदार्थ है। ठीक है, ये हमारा एक चालक है ए बी। ठीक है, और ये जान लीजिए कि ए और बी के बीच नॉन जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और इसके बीच का जो विभवांतर है वो भी है और इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। ठीक है, तो यहां पर जो है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। कब? अचर तापक्रम पर, अचर तापक्रम पर। ठीक है, और यहां पर देखिए भी जो है वो आर इंटू आई होगा क्योंकि फिजिक्स में ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाने के लिए कॉन्स्टेंट देते हैं, तो यहां पर भी इक्वल टू आर आई होगा, यानी भी इक्वल टू आई आर। ये जो है करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है और यही कहलाता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है। यानी यहां पर है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा चालक के दोनों सिरों के बीच, अगर विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विभवांतर के मान के बढ़ने से क्या होगा? विभवांतर के मान के बढ़ने से विद्युत धारा का मान बढ़ेगा और विभवांतर के मान को घटने से विद्युत धारा का मान घटेगा, है ना? तो यह चीज होता है। और यहां पर देखिए, यहां पर जो आ रहा है एक नया चीज आ रहा है वो है प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध क्या है? यहां पर आ रहा है एक चीज प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? देखिए किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक से विद्युत धारा के प्रवाह को बाधित करता है, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है ना? यानी रेसिस्टेंस या प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण चालक जो है अपने से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो है विरोध करता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध जो है वो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, एक तरह से अवरोध उत्पन्न करता है ना? अगर हम लोग आर की बात करें तो आर बराबर यहां पर हो जाता है वी अपॉन आई, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट और इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्पियर। तो ये हो गया वोल्ट पर एम्पियर और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम। ओम जो है वो ऐसा ही मात्रक है प्रतिरोध का। ठीक है, तो इसकी बात भी हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ओम के नियम का जो है सत्यापन भी किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, जिसका डायग्राम बनाया हुआ है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और स्लाइड की ओर बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, ये दिस डायग्राम इज हेल्पफुल इन द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम को अगर सत्यापित करना है तो इस तरह से हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। देख लीजिए इस तरह का सर्किट डायग्राम होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ है कि बैटरी है, प्लग की है, रिहोस्टेट है, इसको धारा नियंत्रक भी बोलते हैं, एमीटर है, वोल्ट मीटर है और प्रतिरोध है। तो देखिए ये चालक तार जो ए बी है इसके समांतर जो है वोल्ट मीटर को लगाया गया है ताकि वो इन दोनों के बीच का विभवांतर को माप सके।
है ना, इस सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको मापने के लिए एमीटर लगाया गया है, और इस सर्किट में करंट के अमाउंट को चेंज करने के लिए यानी करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट से उसको घटाने या बढ़ाने के लिए यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोध लगाया गया है और यहाँ पर स्विच है। तो देखिए इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट में करंट के वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और हम लोग उसके रीडिंग को नोट करते हैं, जो एमीटर का जो रीडिंग आता है उसको नोट करते हैं और हर एमीटर रीडिंग के कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टमीटर रीडिंग होता है उसको भी नोट करते हैं। और नोट करने पर हम ये पाते हैं कि अगर हम वी और आई का मतलब जितने भी आंकड़े हमारे जितने भी रीडिंग आते हैं एमीटर के और जितने भी रीडिंग आते हैं वोल्टमीटर के तो हर कोरस्पॉन्डिंग मतलब आंकड़ों के लिए वी और आई का अगर हम रेशियो निकालते हैं और उनका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आता है। तो ग्राफ का स्ट्रेट लाइन के रूप में आना ये इंडिकेट करता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, है ना। वी को हम लोग मतलब आई को हम लोग बाई एक्स एक्सिस पर लेते हैं, वी को बाई एक्स पर लेते हैं, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये ग्राफ भी रिप्रेजेंट करता है कि ओम्स का लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया जब ये स्ट्रेट लाइन आता है। तो और हम लोग वी और आई का जो रेशियो लेते हैं हर रीडिंग के लिए मतलब हर वोल्टेज रीडिंग के कोरस्पॉन्डिंग करंट रीडिंग होता है, तो हर कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज मतलब वोल्टेज रीडिंग और करंट रीडिंग का रेशियो लेते हैं और हमेशा कॉन्स्टेंट आता है तो वो भी ओम्स के लॉ को वेरीफाई करता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध तो हम लोग समझ ही चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधकता की कि प्रतिरोधकता क्या होता है इसको भी हम लोग को समझना पड़ेगा। तो देखिए प्रतिरोधकता क्या है इसको समझेंगे हम लोग। तो देखिए प्रतिरोध जो है आपको पता है कि प्रतिरोध जो है किसी वस्तु का आंतरिक गुण है जो उस वस्तु से विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बोर्ड के माध्यम से और बोर्ड के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होता है यानी प्रतिरोधकता क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा बात है भाई निर्भर करता है? तो देखिए एक तो है कि चालक का प्रतिरोध आर जो है वो चालक की लंबाई का समानुपाती होता है, यानी जितना लंबा चालक होगा लंबे चालकों का प्रतिरोध ज्यादा होगा और कम लंबे चालक का प्रतिरोध कम होगा। और क्या वो चालक के मोटाई पर भी निर्भर करता है, मोटाई को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, तो उसका वो व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। तो अगर इन दोनों को मिलाएं तो और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है यानी चालक का मतलब तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है ना, और घटने से चालक का प्रतिरोध घटता है। लेकिन इन दोनों को मिलाएंगे तो आर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वाई ए होगा और यहां पर एक स्थिरांक का था आर बराबर रो इंटू एल वाई ए। ठीक है, तो यहां पर जो रो है ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या है? तो एक ये समानुपातीय स्थिरांक है, एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है ना। और जो चालक का प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ का आंतरिक मतलब पदार्थ किस मतलब कोई भी चालक पदार्थ किस पदार्थ से बना हुआ है ये उसका गुण है। यानी अगर यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि रो जो है बराबर आर, यहां पर रो बराबर हम लोग लिखते हैं आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, अगर यहां पर आर बराबर हम लोग लें आर हमारा एक अगर हम लोग यहां पर आर बराबर रो इंटू एल बाई ए है तो यहां पर अगर मान लीजिए कि एल बराबर अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बराबर एक मीटर स्क्वायर हो एल बराबर एक मीटर हो तो यहां पर रो बराबर आर के हो जाएगा। यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कब बराबर होगी? जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर हो और चालक के तार की लंबाई जो है एक मीटर हो, यानी इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोधकता कहलाता है। यानी प्रतिरोधकता क्या है? तो प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के द्वारा ऑफर्ड किया जाने वाला उसके द्वारा दिया जाने वाला मतलब रेसिस्टेंस। यानी प्रतिरोधकता क्या है? तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले पदार्थ का जो प्रतिरोध है वही प्रतिरोधकता है। यानी रेसिस्टेंस पर यूनिट टाइम पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो यह होता है। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी चालक पदार्थ की लंबाई को अगर दुगना कर दिया जाए खींच करके या किसी चालक पदार्थ है उसको हम लोग दोहरा करके मोटा कर दें तब उसका प्रतिरोध जो है
वो बदल सकता है, लेकिन प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना। तो ये अंतर होता है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में। अगर हम उसका यूनिट निकालें तो रो बराबर आर इंटू ए वाई एल है, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं ओम इंटू मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर होता है, तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर ओम मीटर निकल के आ गया, ओम मीटर। तो यही जो है एसआई यूनिट होता है किसका, तो ये प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो प्रतिरोधकता क्या हुई ये आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब जो है अब हम लोग आते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। तो स्लाइड पे हम लोग देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार धारा, अगर विद्युत धारा अगर प्रवाहित कराना चाहते हैं तो प्रतिरोधों का हम लोग संयोजन करते हैं या सम्मोहन करते हैं। तो आपको दो तरह से प्रतिरोधों का सम्मोहन होता है, एक श्रेणी क्रम सम्मोहन होता है और एक समानांतर क्रम सम्मोहन होता है। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में इच्छित धारा के प्रवाह के लिए प्रतिरोधों का दो तरह से सम्मोहन किया जाता है, एक होता है आपका श्रेणी क्रम सम्मोहन और एक होता है समांतर क्रम सम्मोहन। तो श्रेणी क्रम सम्मोहन और समांतर क्रम सम्मोहन क्या होता है इसको भी हम लोग थोड़ा समझते हैं बोर्ड पे, तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए इसको जो है हम लोग समझते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं यहां पर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम सम्मोहन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम सम्मोहन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है इसको समझना है आपको। देखिए यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आप देखिए कि ये R1 एक प्रतिरोध है, R2 एक प्रतिरोध है, R3 एक प्रतिरोध है और ये V वोल्ट वाले सेल से जुड़ा हुआ है, तो ये AB के अक्रॉस जो विभवांतर होगा वो पूरा V होगा, है ना, और इससे I करंट फ्लो कर रहा है, तो ये I करंट सभी से होकर फ्लो करेगा। तो ऐसा सम्मोहन जो होता है प्रतिरोधों का वो श्रेणी क्रम सम्मोहन कहलाता है। यानी श्रेणी क्रम सम्मोहन प्रतिरोधों का एक ऐसा सम्मोहन है जिसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मतलब एक प्रतिरोध का एक मतलब दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध से जुड़ा होता है, अगला प्रतिरोध का सिरा जो है अगले प्रतिरोध से जुड़ा होता है, यानी इंड टू इंड एक लाइन में जुड़े होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ढेर सारे प्रतिरोधों को इंड टू इंड एक लाइन में इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि सभी से होकर समान मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, तो उसको हम श्रेणी क्रम सम्मोहन बोलते हैं प्रतिरोधों का, ठीक है। और यहां पर देखिए कि यहां पर अब समांतर क्रम सम्मोहन में क्या होता है, यहां पर देख लीजिए कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां से R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 मान लेते हैं, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको हम लोग V2 मान लेते हैं और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V3 मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए इसमें क्या होगा, एक होता है समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, यानी किसी भी प्रतिरोधों श्रेणी किसी भी सम्मोहन में, है ना, अगर कोई ऐसा सिंगल रेसिस्टेंस हो कि उस सम्मोहन के सारे प्रतिरोध मिलकर के जितना करंट फ्लो कराते हैं अगर उतना ही करंट जो है एक सिंगल रेसिस्टेंस उसमें फ्लो कराने की क्षमता रखता हो तो उसको हम लोग समतुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। और श्रेणी क्रम सम्मोहन में इसका वैल्यू आर जो है वो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इसके बराबर होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी है लेकिन समय का अभाव है इसलिए डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम सम्मोहन में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम सम्मोहन का वो क्या होता है, मतलब सम्मोहन के सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज का अलजेब्रिक सम होता है। और ये समांतर क्रम सम्मोहन में क्या होता है कि देखिए ये सारे प्रतिरोध जो होते हैं दो उभयनिष्ठ बिंदुओं से जुड़े होते हैं। देखिए एक इससे जुड़ा है, दूसरा इससे जुड़ा हुआ है और तीसरा इससे जुड़ा हुआ है। ये आपका आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है और इसको भी वोल्ट वाले वायर से हम लोग जो सेल से जोड़ते हैं, तो ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब के लिए कांस्टेंट है भी। और मेन करंट यहाँ से आई फ्लो हो रहा है तो ये आई जो है आई वन और यहाँ आई टू और ये आपका आई थ्री है, इधर से भी आपका आई वन आई टू और आई थ्री है और यहाँ से आपका आई थ्री आई आई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि श्रेणी क्रम सम्मोहन में क्या होता है कि भी जो होता है वो भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री होता है, इस चीज को याद रखिएगा।
लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर आई बराबर होता है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, और यहां पर अगर हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करें तो 1 बाई आर पी बराबर होता है 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। तो ये समांतर क्रम समूहन में ये व्यंजक होता है प्रतिरोधों के लिए, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में क्या अंतर है कि इसमें सभी प्रतिरोधों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है ना, लेकिन सबसे करंट सेम फ्लो कर रहा है। और इसमें क्या है कि सभी प्रतिरोधों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, लेकिन करंट सबसे अलग अलग फ्लो कर रहा है। यहां पर समतुल्य प्रतिरोध जो है आरएस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, इसमें समतुल्य प्रतिरोध अगर आरपी है तो 1 बाई आरपी इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री होता है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, और हम लोग यहां पर देखिए आपका डेरिवेशन भी किया हुआ है, आप चाहे तो पीडीएफ से डेरिवेशन को भी देख के समझ सकते हैं। क्रैश कोर्स में चूंकि समय का अभाव है तो लॉन्ग टाइप में ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो ये डेरिवेशन मैंने कर रखा है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत ऊर्जा और शक्ति, यानी इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है। देखिए अब यहां पर हम लोग को समझना है कि विद्युतीय ऊर्जा क्या है और विद्युतीय शक्ति क्या है, कि विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति इन दोनों के बारे में हम लोग को जानना है। तो आपको मैं इसको जो है मैथमेटिकली भी समझा देता हूं कि क्या होता है। देखिए विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, और विद्युत शक्ति इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। देखिए यहां पर है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी विद्युत परिपथ में, है ना, किसी भी विद्युत परिपथ में धारा का जो प्रवाह है वो एक निश्चित समय तक मेंटेन करने के लिए जो टोटल वर्कडन होता है वही कहलाता है विद्युतीय ऊर्जा, ठीक है। यानी किसी भी विद्युत, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द टोटल वर्कडन इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर ए गिवन टाइम। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में एक दिए गए समय के लिए विद्युत धारा के प्रवाह को मेंटेन रखने में किया गया वर्कडन होता है। तो जैसे देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका एक सेल है, यहाँ बैटरी है, और मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पर मान लीजिए आर प्रतिरोध है, ये चालक ए बी है, ठीक है, और करंट आई जो है इससे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर आई करंट जो है टी सेकंड तक फ्लो होता है, और ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, यानी एक कूलम की आप लोग डिफिनेशन जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर का, कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है उन दोनों के बीच का विभवांतर होता है। तो देखिए यहां पर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यानी एक कूलम के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ये क्या कार्य है भाई, तो ये है आपका भी, यही तो होता है विभवांतर का परिभाषा। इसलिए क्यू कूलम के लिए क्या होगा, क्यू कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से बीस पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य होगा वो भी इंटू क्यू होगा ना। तो ये वर्कडन जो आपका है भी इंटू क्यू होगा, लेकिन आप पढ़े हैं कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी, तो यहां पर क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई टी लिख सकते हैं, तो यहां पर डब्ल्यू बराबर भी इंटू आई इंटू टी होगा। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, या तो इलेक्ट्रिक वर्क बोल दीजिए या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलिए, और ओम्स लॉ से आप क्या जानते हैं कि भी इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर यहां पर डब्ल्यू बराबर आई आर इंटू आर आई टी करेंगे तो यहां पर डब्ल्यू बराबर आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, तो ये भी हो सकता है। और देखिए ओम्स लॉ से अगर भी बराबर आई आर होता है तो आई बराबर भी बटा आर भी होता है। तो यहां से क्या होगा, अगर डब्ल्यू बराबर भी आई टी हम लोग लिखते हैं तो यहां पर लिखते हैं डब्ल्यू बराबर भी इंटू भी बाई आर इंटू टी, तो यहां से आ गया डब्ल्यू बराबर भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। तो देखिए यहां पर हमने तीन फॉर्मूला निकाला, इलेक्ट्रिक वर्क और इलेक्ट्रिक एनर्जी एक ही चीज है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर भी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी, यही आपका होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है आई थिंक आप समझ गए, यह विद्युत ऊर्जा का एक क्या है, ये विद्युत ऊर्जा का एक एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए विद्युतीय शक्ति की अगर हम बात करें तो विद्युतीय शक्ति क्या है, मतलब अगर विद्युत ऊर्जा का प्रति सेकंड विद्युत ऊर्जा का जितना उपभोग हो रहा है
इलेक्ट्रिक एनर्जी को कौन यूज करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करेगा हमारे घर में लगा हुआ बल्ब है, हमारे घर में लगा हुआ टेलीविजन है, कंप्यूटर है, या बिजली से चलने वाला कोई भी सामान है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है वही होता है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, जो विद्युत शक्ति जो होता है, विद्युत शक्ति जो होता है वो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बटा सब बटा क्या होगा? समय हम लोग लिख सकते हैं, यानी P बराबर E by T। तो यहां से E को हम क्या लिख सकते हैं? VIT/T लिख सकते हैं, या I²RT/T लिख सकते हैं, या V²R×T/T लिख सकते हैं। तो TT कैंसिल अगर होगा तो क्या हो जाएगा? P बराबर VI²R या V²R। ये जो है विद्युतीय शक्ति के लिए ये एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ज्यादा ये आपको हेल्पफुल करेगा। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर जो है समझ में आ चुका है। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक है इसमें, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या, इसमें हम लोग बात करेंगे किलो वाट घंटा, यानी अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं किलो वाट आवर। अब देखिए किलो वाट आवर क्या है, इसको भी समझ लीजिए। हम लोग सभी के घर में मीटर लगा हुआ है और उसका बिल आता है महीने महीने। तो हमारा जो बिल आता है उसका जो यूनिट होता है, जैसे हमारे घर में अगर 50 यूनिट का बिल आया या 100 यूनिट का बिल आया, तो जो यूनिट है वो वास्तव में क्या है? वो किलो वाट आवर है। अब किलो वाट आवर क्या होता है? तो देखिए आपको पता है कि अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला P बराबर E/T। तो E बराबर क्या होगा? P×T होगा, यानी इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज होते हैं, जैसे फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होता है, गीजर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, तो हाई पावर अप्लायंसेज होते हैं। तो अगर पावर का बड़ा यूनिट होता है क्या, पावर का बड़ा यूनिट होता है किलोवाट। तो अगर हम लोग इसको किलोवाट में मेजर करें और इसको हम लोग आवर में मेजर करेंगे, क्योंकि हमारे घर में जो अप्लायंसेज यूज होते हैं वो घंटों घंटों यूज होते हैं, तो यहां पर किलोवाट आवर जो निकल के आया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हम लोग को बिजली का बिल देता है वो किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। और एक किलोवाट आवर जो होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, 3.6×10⁶ जूल होता है, इसके बराबर होता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका होता है, क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए इसमें एक चीज और बच गया है, वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, इसको भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स में समय बहुत कम होता है, तो मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही बात करूंगा। तो यहां पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे घर में जो भी अप्लायंसेज इस्तेमाल होते हैं, उन अप्लायंसेज का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो देखते हैं कि उसमें हीट का प्रोडक्शन होता है। आपके घर में जो भी अप्लायंसेज इस्तेमाल होते हैं वो गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के प्रवाह का जो प्रतिरोध करता है वो होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध के कारण क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस होता है वो कंडक्टर में हीट के रूप में प्रोड्यूस होता है। और ये जो हीट के रूप में प्रोड्यूस होता है ना, यही जो कहलाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना। तो जूल के द्वारा दिया गया एक नियम है, वो क्या है? जूल का नियम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। इस पर हम लोग बात करते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। देखिए अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन जो ड्राइव किया था, W बराबर VIT या W बराबर V²R×T या W बराबर R²T, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, और यही इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है वो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और यही प्रोड्यूस्ड हीट जो होता है H होता है। तो H बराबर भी, तो हम लोग जो W लिख रहे हैं हर की जगह पर H लिख सकते हैं, और जूल को अगर कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर जूल धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है उसके लिए जूल के द्वारा एक नियम दिया गया है। अब वो नियम क्या है देख लीजिए, जूल का नियम है ये, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पे समझ लेते हैं। देखिए ये बोर्ड से हम लोग समझेंगे जूल का नियम। इसमें तीन चीज है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। देखिए जूल ने तीन नियम दिए हैं कि जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में जो है ऊष्मा प्रकट होती है, अगर उस प्रोड्यूस्ड जो हीट है या ऊष्मा है उसको H माना जाए, तो किसी चालक में उत्पन्न जो विद्युत ऊष्मा जो है वो धारा के वर्ग का समानुपाती होता है, और उसके प्रतिरोध धारा के वर्ग का समानुपाती होता है, उसके प्रतिरोध का समानुपाती होता है,
और जितने समय तक वो धारा प्रवाहित होती है उसका भी समानुपाती होता है। तो यहाँ पर H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं K, तो K इंटू आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ से आता है आपका H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव है उससे प्रकट उष्मा के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक का जो क्लास है उसमें मैंने आपको सारे मुख्य बिंदुओं पर ब्रीफ किया है, लेकिन इस चैप्टर से जो वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पित प्रश्न है उसको दिया गया है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं, इसमें देख लीजिए, और आंकिक प्रश्न भी दिए गए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आज आप जो है आज के सेशन का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका भी स्टडी कर सकते हैं, खुद से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। आई थिंक आज के क्लास में मैंने आपको एक अच्छे तरीके से ब्रीफिंग दिया है, आप इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और गया गाइडेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।